हेलो दोस्तों, आज हम आपको टोटल स्टेशन के बारे में ब्रीफली जानकारी देना चाहेंगे। ये TS है, आप देख सकते हैं। ये 2LS मॉडल, 2LS का इंस्ट्रूमेंट है। ये सोकिया का स्टैंड है और पॉइंट बाई पॉइंट बताते जाएंगे इसके बारे में। सबसे पहले हम लोग स्टैंड सेट करते हैं। स्टैंड एक्चुअली लेवल में होना चाहिए। लेवल में होने से क्या होता है कि मशीन है जो जल्दी सेट हो जाती है। इसके बाद में ये यहाँ पे बबल है, इस पर दो बबल होते हैं। एक तो ये बबल देखते हैं, दूसरा ये वाला बबल सेट करते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये वाला बबल पहले से सेट किया हुआ है। अब इसको इन दोनों स्क्रू के हेल्प से इसको सेट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये कुछ ऐसा स्क्रीन में रहता है। इसमें P1 में जाके टिल्ट में जाते हैं कि मतलब मशीन कितनी टिल्ट है। ये डिग्री है, ये मिनट है, ये सेकंड है। लगभग सेकंड को लेस देन 10 होना चाहिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 है, थोड़ा सा एरर है। अभी सेट करेंगे इसको और इतने में भी काम कर सकते हैं, लेकिन जितनी एक्यूरेसी चाहिए वहाँ उतनी नहीं आ पाती है। और फिर देखते हैं, अपन मेनू में जाते हैं। ये सेट हो गई मशीन, मेनू में गए अपन। ये स्किप करके मेनू में आप देख सकते हैं स्क्रीन में डाटा कलेक्ट, लेआउट, मेमोरी। इसमें अब अपन जाते हैं लेआउट में। लेआउट में जाके स्किप करेंगे, फिर पॉइंट चेंज करेंगे, फिर न्यू पॉइंट में जाके ये रिसेक्शन में जाते हैं। रिसेक्शन एक्चुअली दो पॉइंट बैक साइड करते हैं, मिनिमम दो पॉइंट, मैक्सिमम 13 पॉइंट बैक साइड। जितनी एक्यूरेसी मतलब बढ़ानी है, जितनी एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए उतने ज़्यादा पॉइंट अपन को लेने पड़ेंगे। यहाँ पे अपन दो पॉइंट से ही काम करते हैं। एक पॉइंट जो अपन बैक साइड करते हैं लगभग उसका 90 डिग्री एंगल होना चाहिए। 90 से कम भी हो चल जाता है, मतलब लगभग 90 डिग्री एंगल पे दो पॉइंट होने चाहिए। जैसे हमारा एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट वहाँ पे है, ये लगभग 90 डिग्री के एंगल पे हैं। और ये देख सकते हैं, ये रिसेक्शन में गए, रिसेक्शन में जाके ये स्किप कर दिए इसको। ये रॉड हाइट है, रॉड हाइट को अभी नहीं छेड़ेंगे। ये 100 mm है, इंटर करके। और ये NEZ में गए और ये इनपुट करके अपने जो नॉर्थिंग ईस्टिंग जेड डालेंगे। और इसके बाद अपन बैक साइड करते हैं। इसके बाद दूसरे पार्ट में आगे की जानकारी देंगे। थैंक यू दोस्तों।